इस लाइन को हम कहते हैं इंडेक्स लाइन और इस कंप्लीट हॉलो सिलेंडर को हम स्लीव भी कहा करते हैं अब इस इंडेक्स लाइन पर मिलीमीटर mm में रीडिंग मेंशन होती है तो यहां पर इसको हम मेन स्केल भी कहते हैं कि ये मेन स्केल यहां पर ड्रॉ हुआ हुआ और है, पर, circular scale. Circular scale पर, है और इसी के साथ आगे है यहां पर सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल पर टोटल हंड्रेड नंबर ऑफ डिविजन होती है और इसी के साथ आपको आगे एक थ्रेडेड पोर्शन नजर आ रहा है जिसको हम थेम्बल कहा करते हैं थेम्बल के बाद लास्ट में आपको एक रैकेट नजर आ रहा है रैकेट को मूव करके हम थेम्बल और स्टड के दरमियान जो गैप है उसको भी आप क्लोज कर सकते हैं सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज नाउ व्हाट इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज जिससे कि आप जानते हैं कि सर्कुलर स्केल पर टोटल हंड्रेड नंबर्स ऑफ डिविजन हैं। अब जब मैं सर्कुलर स्केल को मूव करूंगा तो ये डिजन उस इंडेक्स लाइन को क्रॉस करेंगे अब जैसे ही मैं सर्कुलर स्केल का अगर मैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लू तो ये हंड्रेड नंबर ऑफ डिविजन और हंड्रेड नंबर ऑफ डिविजन क्रॉस करने पर यह सर्कुलर स्केल वन मिलीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा मेन स्केल पर एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज सो वी कैन डिफाइन इट एज इट इज द

तो एक डिवीजन जब क्रॉस करेगी उस इंडेक्स लाइन को तो उसमें जो डिस्टेंस कवर हो रहा है कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर गेज। सो वी कैन डिफाइन इट एज डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूव द थिंबल थ्रू वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड मिलीमीटर और जीरो पॉइंट ऑन द मेन स्केल एंड दिस इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ गेज Mm. So, हम mm 10 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर तो इस तरह से आप मिलीमीटर mm को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दे बोथ आर इक्वल सो यहां से हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड कर लिया व्हिच इज 0.01 मिलीमीटरस के मींस के ये 0.01 मिलीमीटरस तक की मेजरमेंट ये इजीली मेजर कर सकता है मजीद उससे छोटी मेजरमेंट ये मेजर नहीं कर सकता सुनाओ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म ऑफ द स्क्रू गेज व्हिच इज जीरो एरर ऑफ गेज सो जीरो एरर एक ऐसा एरर है इंस्ट्रूमेंट में जो कि आपकी इस मेजरमेंट को गलत कर सकता है सो वी शुड हैव टू फाइंड कि अगर तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है तो फिर वो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट देगा अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है तो फिर वो आपको कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दे सकता सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि ये जीरो एरर है क्या जीरो एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम रैकेट को क्लॉकवाइज मूव करके हम स्पिंडल और स्टड के दरमियान जो गैप है उसको हम क्लोज कर देते हैं खत्म कर देते हैं और वो गैप क्लोज करने पर आपने ये ऑब्जर्व करना होता है कि क्या सर्कुलर स्केल का जीरो उस इंडेक्स लाइन के साथ कंसाइड कर रहा है अगर तो वो कंसाइड कर रहा है तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है लेकिन अगर वो कंसाइड नहीं कर रहा तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर मौजूद है एंड दैट एरर इज कॉल्ड जीरो एरर सो वी कैन डिफाइन इट एज इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द इंडेक्स लाइन देन देयर इज नो जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट और द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज जीरो एंड इफ द जीरो ऑफ द

इंडेक्स लाइन से कंसाइड कर रहा है तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है अगर वो कंसाइड नहीं कर रहा तो फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है अब कंसाइड नहीं कर रहा तो फिर वो जीरो कहां पर है क्या वो इंडेक्स लाइन से पीछे है ये क्या वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुका है सो इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल बिहाइंड द इंडेक्स लाइन देन द जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। अगर आपका सिल्फ्र स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से पीछे कहीं रह जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है और इसमें हम नंबर ऑफ डिविजन नोट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिविजन जो है वो जीरो पीछे रह गया नाउ द नेगेटिव जीरो एरर इफ द इंडेक्स लाइन देन बी नेगेटिव

हम हमेशा जीरो करेक्शन भी करते हैं अपनी मेजरमेंट्स में अब ये जीरो करेक्शन क्या है सो जीरो जीरो करेक्शन बेसिकली हमारे इंस्ट्रूमेंट में मौजूद एरर को रिमूव करता है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट में से तो जो भी मेजरमेंट आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जीरो करेक्शन में हम उस एरर जीरो एरर को रिमूव कर देते हैं जिससे आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट आ जाती है किसी भी चीज की जिससे इसको आप मेजर करना चाह रहे हैं सुनाओ so, लेट्स मूव टूवर्ड द्हाइट बोर्ड एन एग्जाम्पल जिसके बाद आपको ये concept clear हो जाएगा कि किस तरह से हम स्क्रू गेज यूज करके हम किसी भी चीज़ का diameter कर सकते हैं डाया मीटर फाइंड करना है बाई यूजिंग तो किसी भी चीज का डायमीटर मेजर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर मेजर करते हैं

वो जीरो इंडेक्स लाइन से पीछे कहीं रह गया तो फिर यहां से ये क्लियर हो गया कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो कितने डिवीजन पीछे रह गया तो यहां पर हम वो नोट कर लेंगे कि यहां पर 24 वो पीछे कहीं रह गया और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहां पर मेन स्केल रीडिंग भी ऑब्जर्व करनी होती है कि मेन स्केल पर क्या आपको कोई रीडिंग शो हो रही है तो यहां पर आपको कोई रीडिंग शो नहीं हो रही तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेंगे कि हम यहां पर जीरो करेक्शन कर रहे हैं और जीरो करेक्शन में हमें मेन स्केल रीडिंग हमने देख ली मेन स्केल रीडिंग विच इज जीरो मिलीमीटर और इस तरह से फिर हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग भी देख ली कि सर्कुलर स्किल की ट्वेंटी फोर्थ जो है वो फिर कंसाइड कर रही है इंडे लाइन के साथ यहां पर हम ट्वेंटी फोर को मल्टीप्लाई करवा देंगे गेज एंड इज जीरो फोर इंटू जीरो पॉइंट मिलीमीटर विच इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू फोर मिलीमीटर इस इज सर्कुलर स्केल रीडिंग अब आपने फाइंड करना है जीरो एरर तो जीरो एरर फाइंड करने के लिए हम मेन स्केल रीडिंग और सब स्केल रीडिंग को ऐड कर देते हैं सो जीरो मिलीमीटर प्लस जीरो पॉइंट टू फोर मिलीमीटर विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फोर मिलीमीटर तो मेन स्केल रीडिंग थी हमारे पास जीरो और सर्कुलर स्केल थी 0.24 तो इनको हमने एड अप कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 0.24 मिलीमीटर एंड एज वी नो कि आपका जीरो एरर जो था वो पॉजिटिव था तो यहां पर हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे दिस शोज कि ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो अब हम ये भी जानते हैं कि जीरो करेक्शन के लिए हम जीरो एरर का साइन हम इनवर्ट कर देते हैं सो जीरो करेक्शन इज इक्वल्स टू हम इसका साइन चेंज कर देंगे एंड इट बिकम माइनस -0.24 मिलीमीटर तो यहां से आपने जीरो करेक्शन फाइंड आउट कर ली अब हम फाइंड करेंगे उस वायर का एक्चुअल डायमीटर तो वायर का एक्चुअल डायमीटर फाइंड करने के लिए अगेन हम ब्रैकेट को काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे जिससे आपका स्पिंडल और स्टड के درمیان जो गैप है वो दोबारा से क्रिएट हो जाएगा पर वहां पर फिर आप वायर को प्लेस करके दोबारा से उनको टाइट कर लेंगे इस तरह से कि वो वायर वहां से मूव ना हो सके सो so, टाइट करने के बाद अगेन आपने अब रीडिंग्स ऑब्जर्व करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है मेन स्केल को कि मेन स्केल पर आपको कौन सी रीडिंग शो हो रही है तो मेन स्केल पर यहां पर हमें जो रीडिंग शो हो रही है विच इज वन मिलीमीटर तो अगेन तो यहां पर नोट कर लेंगे कि अब आप डायमीटर फाइंड कर रहे हैं वायर का सो डायमीटर ऑफ़ डायामी वायर और इसमें आपने फाइंड कर लिया मेन स्केल रीडिंग कि रीडिंग आपको शो हो रही है यहाँ पर वन मिलीमीटर एंड देन अगेन सर्कुल स्केल की कौन सी डिवीजन कंसाइड कर रही है इंडेक्स टाइम के साथ सो so, यहां पर एटी फाइव डिविजन जो है वो कंसाइड कर रही है इंडेक्स टाइम के साथ एटी so, फाइव को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके लीज काउंट से और काउंट है गेज जीरो पॉइंट मिलीमीटर सो मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट एट फाइव मिलीमीटर सो नाउ फाइंड द डायमीटर सो डायमीटर फाइंड करने के लिए हम मेन स्केल रीडिंग और सर्क्रूस के रीडिंग को हम अप कर दिया करते हैं सो मीन के रीडिंग इज वन मिलीमीटर एंड इज़ मिलीमीटर। तो फर्दर इन दोनों को हम अप कर देंगे एंड द आंसर इज वन पॉइंट एट फाइव मिलीमीटर इज दिस द करेक्ट डायमीटर ऑफ़ ऑफकोर्स नॉट बिकॉज हमारे इंस्ट्रूमेंट में था जीरो एरर तो यहां पर हम करेंगे इसमें जीरो करेक्शन दिस इज बेसिकली ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ अ वायर तो यहां पर अब हम करेक्ट डायमीटर फाइंड करते हैं सो करेक्ट डायमीटर इज इक्वल्स टू 1.85 जीरो करेक्शन व्हिच इज माइनस 0.24 मिलीमीटर यहां पर इसको हम सेपरेट कर देंगे माइनस -0.24 मिलीमीटर और सबट्रैक्ट करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.61 मिलीमीटर सो दिस इज बेसिकली द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर क्लियर नाउ लेट्स हैव अ शॉर्ट क्विज व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर अदर क्वेश्चन That what is the pitch of a laboratory screw gauge? It is the distance between consecutive threads on the spindle is one millimeter, and this distance is called the pitch of screw on the spindle. And which of the two instrument is more precise and why? Vernier caliper or screw gauge? So the precise instrument is screw gauge because the least count of screw gauge is more precise than vernier caliper as the least count of vernier caliper is zero point one millimeter, and the least count of screw gauge is zero point zero one millimeter. Clear? So let's have an overview of the lecture. In this lecture, we discuss about screw gauge, construction of screw gauge, pitch of screw gauge, and the least count of screw gauge, and the zero error of the screw gauge, and also the types of zero error of a screw gauge. So I hope. लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज